और इस सिस्टम की ताकत मैं आज आपको बताता हूं। मैंने क्यों बोला दैट द फोकस इज नॉट ऑन द लीडर्स, द फोकस इज ऑन द कंपनी। इट इज जस्ट नॉट अ लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, इट इज अ कंपनी प्लस लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। आगे बढ़ते हैं, इस चीज को थोड़ा सा और इलैबोरेट करते हैं। आज सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि मेरा और आपका कनेक्शन बन जाए। तो बनाएंगे सर कनेक्शंस आप सब लोग? Yes! पक्की बात है? राइट, थैंक यू सो मच। प्लीज गिव मी द बटन। और आप इसको शुरू करवाइए। आज थोड़ा सा लंच हो सकता है डिले हो जाए, तो उसके लिए पहले से माफी, ठीक है? बट लंच भी होगा तो धमाके के साथ होगा, बिकॉज द प्रिंसिपल शुड बी वर्क हार्ड पार्टी हार्डर। यस, वी विल वर्क हार्ड एंड वी विल पार्टी मोर हार्डर। सो वेलकम टू टास्कोम रिटेल मार्केटिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, द टास्कोम फैमिली, और आप सब टास्कियंस को मेरा सल्यूट। बिकॉज इतनी छोटी सी टाइम पीरियड के अंदर जो आपने अचीव किया, उसके इफेक्ट्स इतने ज्यादा आने लग गए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा आज। मैं खुद भी हैरान हूं कि इतने छोटे से टाइम फ्रेम में हमने कैसे क्या क्या चीजें अचीव कर ली, ये चमत्कार हुआ कैसे। लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम 2019 में आप हैं यहां पे। अभी और भी बहुत सारे लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हैं। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक फिलॉसफी है, प्रॉमिस लेस डिलीवर मोर। मैं कम प्रॉमिस करूंगा लेकिन जब डिलीवर करूंगा तो उससे ज्यादा करूंगा, मजा तभी आता है। हमने बहुत छोटे छोटे टारगेट्स रखे, बड़े छोटे छोटे टारगेट्स। अगस्त शुरू किया हमने 2018 में। यहां पे कुछ मुस्कुराते हुए चेहरे हैं जो उस टाइम पे हमसे मिलने आए थे, वो पागल लोग थे। कुछ कुछ पागल लोग आगे बैठे हैं, कुछ पागल लोग पीछे बैठे। प्लीज डोंट माइंड, आप पागल हैं, मैं भी एक पागल हूं। ये कुछ पागल लोगों ने एक जर्नी शुरू करी और ये रेवोल्यूशन में बन तब्दील हो गई। लेकिन अभी ये रेवोल्यूशन शुरू हुआ है, इसके इफेक्ट्स अभी आने शुरू हुए हैं। ये बात मान के रखिएगा, जो चीज रॉकेट की तरह ऊपर उड़ती है वो रॉकेट की तरह नीचे जाती है। हमने ग्रो ऑर्गेनिकली किया, हमने ग्रो सिस्टमैटिकली किया एंड वी आर वेरी प्राउड। आज जोश भर दिया मिस्टर पीडी पंकज जी ने, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। मैं क्यों बताना चाह रहा हूं, हमारे सिस्टम में बहुत सारे लोग जब आए, सजेशन आए कि एलडीपी में ये करेंगे, एलडीपी में वो करेंगे, तो मैं और मिस्टर कौशिक ने बोला, देखिए बाहर से किसी बहुत बड़े मोटिवेटर ट्रेनर को बताने की जरूरत क्या, हमारे सिस्टम में हर बंदा अपने आप में इतना बढ़िया मोटिवेटर है कि बाहर से अगर कोई बंदा आएगा तो बोलेगा क्या। यहां पे तो इतने सारे मोटिवेटर्स हैं, क्या आप मोटिवेशंस में कम है? दिलीप जी, कमल जी पीछे बैठे हुए है, पीडी शर्मा जी, पीडी पंकज जी, इतने सारे, मिस्टर राजन, वी के अरोड़ा, जीतू जी, गिरीश जी, दे आर बिग मोटिवेटर्स, मिस्टर नजीम। मैं आपको सुनने के लिए आया हूं, मैं किसी बाहर वाले को सुनने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको अपने दिल की बात बताने आया हूं। हमारे सिस्टम को कौन जानता है हमसे बेटर? कोई भी नहीं, हम जानते हैं अपने सिस्टम को सबसे ज्यादा बेटर। बहुत बड़ी टीम है हमारे साथ, और सबसे बड़ी बात है टास्कोम ही एक ऐसी टीम मुझ को आज में दिख रही है जहां पे इतने सारे लीडर्स हैं जो अपने आप में एक कंपनी चलाने में सक्षम है। ये आप मानते हैं कि नहीं मानते? We are having the maximum leaders who are capable to start their own companies and they are with us, aligned, joined, जिनका ड्रीम और हमारा ड्रीम एक है। आज मैं आपको कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये मैं आपके जहन में डालना चाहता हूं कि जब हम टैटू कराते हैं कोई चीज तो वो हमारे पास रह जाती है। जो इस एलडीपी के अंदर जो हम कुछ बात करेंगे
तो वो भी आपके पास जहन में रहनी चाहिए। एजुकेशन एक फाउंटेन है, फाउंटेन का मतलब है फुवारा। हम सब कभी स्टूडेंट्स रहे हैं और यहां पे भी बहुत स्टूडेंट्स हैं। एजुकेशन एक फाउंटेन है, कुछ लोग उसे पीने आते हैं, कुछ लोग उसे पीने आते हैं, कुछ लोग सिर्फ गागल करते हैं, मुंह के अंदर रखते हैं पानी को। आपने देखा होगा कुछ लोग सिर्फ पानी पीते हैं, कुछ लोग पानी को बाहर निकाल कर फेंक देते हैं। लेकिन जो पी लेता है इस फाउंटेन, इस फुवारे से जो पानी, वो ही आगे चलकर कामयाब हो जाता है। आपने इस एजुकेशन से जो आपने सीखा, जो आपने पिया, जो आपने धारण किया, उसे भूलना नहीं है। आपके हाथ में, मेरे ख्याल से सबके पास एक पेंसिल है और एक पेपर कुछ है, व्हाटएवर इट इज, नहीं तो आपके पास एक मोबाइल है, आप उसमें कुछ नोट करके रखें। क्योंकि आज जो बातें मैं आपसे कहने जा रहा हूं, यही बातें आपसे कुछ लोग आगे चलकर पूछेंगे। और आई वॉन्ट एवरीबडी टू आंसर विद श्योरिटी। दुनिया में नेटवर्किंग सबसे बड़ा बिजनेस है, यस और नो? यस। और नेटवर्किंग की इज राइट मे बी, बट नेटवर्किंग की सबसे बड़ी खासियत है सिर्फ दो वर्ड्स, अस, द पावर ऑफ अस, यानी कि हम में ताकत है। आज नेटवर्किंग में कोई अकेला नहीं जीतता, नेटवर्किंग में सब जीतते हैं। और अगर सब जीतते हैं तो नेटवर्किंग तो पिछले 25-30 सालों से हो रही थी, तो इतने सारे लोग हार भी जाते हैं। हमने दोनों चीजों को देखना है। मैंने क्यों बोला कि ये एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं है, ये कंपनी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है। कुछ चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं और कुछ चीजें मैं भी सीख रहा हूं। क्या क्या सीखी, क्या क्या हुआ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट के सेंटिमेंट्स आपको पता है। मैं सबसे पहले जिस पॉइंट को उजागर करना चाहता हूं, इंग्लिश में मार्केटिंग के अंदर एक कंसेप्ट आता है जिसके अंदर 117 मॉड्यूल्स हैं, दैट इज कॉल्ड ईट द फ्रॉग। किसी ने शायद सुना नहीं होगा, अगर किसी ने सुना ईट द फ्रॉग, किसी ने सुना यहां पे बाय द वे ईट द फ्रॉग, ईट द फ्रॉग इन्होंने सुना है, एक बंदे ने, दो बंदों ने, गुड। व्हाट इज ईट द फ्रॉग? ईट द फ्रॉग क्या है? ये किसी एक मार्केटिंग ना विजर्ड ने कॉइन किया था, लेकिन यह दुनिया का सबसे इफेक्टिव टूल है। ये टूल आप भी सोचिएगा, हर सुबह जब भी आप उठते हैं तो समझ लीजिए आपकी टेबल पर एक छोटा सा मेंढक बैठा हुआ है। ये मेंढक क्या है? ये वो है जो आपके काम है, जो आपने दिन में करने हैं। तो बेटर ये है कि ये प्रॉब्लम्स जो आपके टेबल में सामने बैठी हुई हैं, या तो आप उनको खा लो, नहीं तो ये फ्रॉग, ये मेंढक इतना बड़ा बन जाएगा कि ये आपको खा जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? अपनी प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं सुबह सुबह, या तो आप उनको खा लो, नहीं तो वो आपको खा जाएगा। आज अगर हम एलडीपी के अंदर बैठे हुए हैं तो जो जो प्रॉब्लम्स हैं आज हम सबसे पहले उनको खाएंगे। हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स को आज अगले 10 मिनट के अंदर खत्म करेंगे। अगर आपके पास सुबह दो काम है, एक इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट, एक इंपॉर्टेंट एंड इजी, तो सबसे पहले आप कौन सा काम करेंगे? यस, इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट, मुश्किल काम सबसे पहले खत्म कर दीजिए, जिंदगी सबसे बड़ी आसान हो जाती है। आज MLM कंपनीज के अंदर आपको भी पता है एक नहीं कई मुश्किलें हैं। आज हम उन मुश्किलों को सबसे पहले खत्म करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आप सबको जब भी ज्वाइन किए, आप में से कितनों के साथ ये प्रॉब्लम थी? क्वेश्चन नंबर 1, कंपनी कब तक चलेगी? कितने लोगों के साथ माइंड में क्वेश्चन थे? बहुत सारे, सबके 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 सबके।
तो जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, घुमा फिरा के नहीं, स्ट्रेट उसी पॉइंट पे आएंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनरेशन कहां से होती है? ये कितने लोगों के क्वेश्चन से? सबके। थे सर कि नहीं थे? यस। तो आज ये दो राक्षसों को सबसे पहले हम खत्म करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इजाजत है, प्लीज स्टार्ट, लेट्स बिगिन। LDP का मतलब है लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। थोड़ा सा वहां पे अगर लोगों को यहां पे दिख रहा है स्क्रीन में, आपकी तरफ नहीं आ रहा ना, थोड़ा सा नहीं आ रहा, आप इनको भी थोड़ा सा दीजिए। लीड सेल्फ, सबसे पहला काम आप अपने आप को लीड करेंगे। लीड अदर्स, दूसरा बड़ा काम। तीसरा लीड मैनेजर्स। चौथा लीड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पांचवा लीड एबिलिटीज। और छठा लीड सोसाइटी। अब मैं जरा इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूं। मैंने अभी कुछ बोला, किसी को याद हो गया होगा तो हाथ खड़ा कर दे। कुबेर साहब याद हो गया मैंने क्या बोला? किसी को भी याद हुआ मैंने क्या बोला? अभी मैंने 6 लाइनें बोली, किसी को भी याद नहीं हुआ? एक मिनट। हां जी, किसने लिखा है? अच्छा, लिखा है वाले छोड़ दीजिए, जिन्होंने नहीं लिखा उसमें से किसी को याद? कौन सा? यस, चलो 3 पॉइंट्स याद है। कुबेर साहब आपको याद हो गया? चलिए 1 मिनट के अंदर आपको याद करा देता हूं। 1 मिनट के अंदर किसको खड़ा कर देता हूं? कुबेर साहब आप आ जाइए यहां पे, आइए। नहीं, आप भी आइए। चलिए अक्रम साहब आ जाइए, कोई भी आ जाइए। कुबेर साहब की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, कोई और आना चाहता है? एक और एग्जाम्पल है, आ जाइए, प्लीज आ जाइए, प्लीज कम। चलिए थोड़ी सी फनी चीज हो जाएगी। मुश्किल चीज थी 6-30 सेकंड के अंदर इसको याद करना ना बहुत आसान होगा। लेट अस कम बैक। नो सोर्स फॉर्म प्लीज। देखना चलिए कोई बात नहीं, फिर से मैं बता रहा हूं, तब तक आप इसको एक बार रिबूट करवाइए, व्हाटएवर इट इज। देखो ओके, 6 चीजें, लीड सेल्फ, लीड अदर्स, लीड मैनेजर्स, लीड एबिलिटीज, लीड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लाइट लीड सोसाइटी। हो गया याद? डन। चलिए फिर से बताता हूं, हमारे बड़े पुराने ना जब ग्रंथों में लिखा होता था एक चीज हुआ करती थी, जैसे कहते थे सोमरस। सबने सुना क्या होता था सोमरस? सुना हुआ सोमरस? लोगों को मिसकंसेप्शन, इट यूज्ड टू बी एन अल्कोहल, इट नेवर यूज्ड टू बी एन अल्कोहल, इट यूज्ड टू बी अ वेरी ना वेरी बेनिफिशियल मेडिसिनल प्लांट। नहीं नहीं, ये नहीं है, गलत है वो, तो अब उसका एक कंसेप्शन निकाल दिया। एग्जैक्टली निकला था। लीडरशिप के अंदर यही सोमरस चाहिए, SOMRAS। लीड सेल्फ, लीड अदर्स, लीड मैनेजर्स, लीड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लीड एबिलिटीज एंड फाइनली लीड सोसाइटी। सर, लीड सेल्फ, लीड अदर्स, लीड मैनेजर एंड लीड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लीड
सोसाइटी आ गया, आ गया सर, गुड, थैंक यू सर, आपको भी आ गया. सर लीड सेल्फ, लीड अदर, लीड्स मैनेजर, रोल एंड सोसाइटीज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लीड एबिलिटीज एंड लीड सोसाइटी. लीड सेल्फ, लीड अदर्स, लीड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीड्स सोसाइटी एंड लीड्स लीड्स एबिलिटी. आ जाएगा. सो प्लस सेल्फ, others, managers, roles and responsibilities, abilities and society, then you are the perfect leader. Thank you so much. मैं इसके बारे में आगे elaborate कर दूं. Why it is not still functioning? Okay. So, ladies and gentlemen, what do you mean by lead self? बचपन में एक prayer करी थी. हमको मन की शक्ति देना, मन विजयी करे. दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे. जब तक आप अपने आप को लीड नहीं करेंगे, तब तक आप किसी और को लीड नहीं करा पाएंगे. लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, सेल्फ लीड के लिए एक सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस. होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस. सब लोग कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन सब लोगों के पास एक बैगेज है. हम सब लोग जब सुबह उठते हैं तो एक भारी बैग हमारे कमर में लदा हुआ होता है. पुरानी टेंशन्स, पुरानी लाइबिलिटीज, पुराने इश्यूज, सोसाइटी, फैमिली, अटरम शटरम, बहुत सारी चीजें होती हैं हमारी सुबह उठ के. रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये बिल, वो बिल, ये क्रेडिट कार्ड, ये एजुकेशन बिल, ये चीज, वो चीज, सारी की सारी चीजें होती है कि नहीं होती है? तो इतने डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर आप अपने आप को लीड सेल्फ कैसे कर पाएंगे, ये सोचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा आपको. हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम्स हैं. हम सबको लगता है हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम्स हैं. एक इंसान था आज से तकरीबन 3,000 साल पहले, 3,000-2,000 साल पहले एक इंसान था, वो भी आप ही की तरह एक प्रॉब्लम में फंस गया था. बड़ी बुरी प्रॉब्लम थी उसके साथ. वो एक छोटा सा राजा था जिसके ऊपर अगले दिन सुबह उससे 10 गुना बड़ी सेना उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रही थी. वो थे सिर्फ 500 और सामने जो सेना थी वो थी 10,000 और टाइम था सिर्फ रात के 10 घंटे अंधेरे का, क्योंकि कल सुबह भोर होते ही उसने उसके ऊपर अटैक करना था. आप सोचिए प्रॉब्लम्स, हम अपनी प्रॉब्लम्स लेके चलते हैं सुबह, ये बिल सुबह, वो बिल सुबह, ये सुबह वो, पुरानी लाइबिलिटीज, ये वो. उस इंसान के लिए तो जीने और मरने का सिचुएशन हो गया था, जीने और मरने का सिचुएशन. नाउ आप सोचिए, आप राजा है, कल सुबह आपसे 10 गुना ताकतवर आपके ऊपर अटैक करने वाला है. आपके पास इतना बड़ा कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है जिसको आप कल सुबह मार के सब लोगों को पार कर देंगे. लेकिन उस इंसान ने लीड सेल्फ किया. कैसे? गेम चेंज एंटेनास. ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज अगर ये समझ में आ गया then you are all the most successful person in the life. उसने क्या करा? उसने बोला कोई बात नहीं, उनके पास क्या है, क्योंकि पुराने जमाने में तो वही चलता था, क्या वो धनुष, एरो, बाण, तीर, कमान. उसने क्या किया रात को? उसने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज करी. उसने अपने लोगों को बोला, आप एक काम करें, आप एक नाव बनाएं, नाव के ऊपर ना बहुत सारे लोग की मूर्तियां बनाएं जो घास से बनेंगी, और उनको उसने काला पेंट करवा दिया. रात का अंधेरा, नाव के ऊपर बहुत सारी बॉडी स्ट्रक्चर्स, और वो भी घास की बनी हुई, और वो भी काली, ताकि वो दिखे ना, उनको लगे कि, दुश्मन को लगे कि इन लोगों ने रात को अटैक कर दिया. अब उसने क्या करा, ये अपनी 10-15-20 नावें दुश्मन की तरफ भेज दी, और दुश्मन ने क्या करा, उन्होंने फेंके तीर, और इतने तीर फेंके कि सारे के सारे तीर किस में लग गए, घास में. अब गेम पलट गई. अब दुश्मन के पास तीर कम और उस राजा के पास तीर ज्यादा.
और सुबह जो हुआ उसने इतिहास रच दिया चाइना का, एंड ही बिकेम वन ऑफ द पावरफुल पर्संस देन. क्यों? क्योंकि उसके पास दुश्मन के तीर आ गए थे. अब आप समझिएगा, आपके पास इतनी बड़ी टेंशन नहीं है जितनी बड़ी उसके पास थी. उसने अपनी टेंशन खत्म कर दी 10 घंटे में. आप अपनी टेंशन खत्म कर सकते हैं 10 घंटे में, क्या 10 मिनट के अंदर. गॉट इट? तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिर्फ एक चीज सोचनी है, दैट यू हैव टू लीड सेल्फ. जब तक आप अपना एग्जाम्पल नहीं बनेंगे तब तक आप लोगों को लीड नहीं कर पाएंगे. बड़ी अच्छी स्टोरी थी कि बाबा गुरु नानक के पास एक लेडी आती है, बोलती मेरा बच्चा जो है मिठाई बहुत खाता है, टॉफी बहुत खाता है, इसको जरा मना करो. तो बोलते नहीं, इसको कल ले आना. वो फिर आती है कल कि मेरा बच्चा बहुत ज्यादा टॉफी खाता है, मिठाई खाता है. तो बोलते जी आप एक काम करो, इनको परसों ले आना. करते करते फिर एक दिन उस औरत ने पूछ लिया कि मैं आपके पास बार बार आती हूँ, एक छोटी सी बात मेरे बच्चे को क्यों नहीं बता पाते. तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, कहते जब मैं इतना मिठाई का शौकीन हूँ, जब मैं खुद नहीं सीख पा सकता, पहले मैं खुद छोड़ूंगा तभी तो इस बच्चे को छुड़वाऊंगा. तो यही चीज हमने देखनी है. व्हेन वी आर द लीडर्स, हमने अपने आप को ऐसा बनाना है कि हमारी पूरी डाउनलाइन हमसे इंस्पायर्ड हो. क्योंकि जब आप लीड सेल्फ करेंगे तो आप लीड अदर्स तक पहुंचेंगे. आप सब लोग लीड सेल्फ को क्रॉस कर चुके हैं बिकॉज यू आर द लीडर्स. नाउ यू हैव टू लीड अदर्स. आज यहां पे जितने भी लीडर्स हैं, मैं चाहता हूं कि वो लोग अपना एक रोड मैप बनाए कि अपने नीचे उन लोगों को जो चाहिए वो ये चाहिए. मैनेजर्स, आप सब लीडर्स के पास अपने 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 मैनेजर्स डिफाइंड होने चाहिए. आप खुद लीड करेंगे, आप बाकी लोगों को लीड कराएंगे और उनके नीचे मैनेजर्स बनाएंगे, और मैनेजर्स के बाद लीड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. दुनिया में जिस इंसान ने अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लीड कर लिया वो दुनिया का बेस्ट पर्सन बन गया. पूछिए कैसे? अगर आज की डेट में आपके डाउनलाइन की तरफ से कोई भी काम आए तो आपका हाथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि ये आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है. यू शुड बी ऑलवेज रेडी. कोई भी काम, यस सर. इसमें एक चीज याद आई, एक इंसान था, उससे पूछा गया कि भाई साहब क्या आप एफिशिएंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लीड कर सकते हैं? कहता है हाँ जी, मेरे ऑफिस में जब भी कोई गलत काम होता है सब लोग मेरे को ही रिस्पॉन्सिबल समझा देते हैं. तो वैसा इंसान नहीं बनना है. आपको अपना रिस्पॉन्सिबल कैसे बनना है? रिस्पॉन्सिबल, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक लीडर को कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना है. और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद लीड एबिलिटीज. आप लोगों के पास जो भी आपका प्लस पॉइंट है उसको और इंप्रूव करिए, और जब आपके पास ये सारी चीजें हो जाएंगी आप अपने आप के सोसाइटी में अपने आप को लीड कर लेंगे. जिस दिन व्हेन यू विल लीड द सोसाइटी यू विल बिकम द ट्रू लीडर. तो लीड सेल्फ, लीड अदर्स, लीड मैनेजर्स, लीड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लीड एबिलिटीज, लीड सोसाइटी एंड लीड अदर्स. Please move the slide. Yes, मैंने क्या बोला था? सबसे पहली चीज बहुत important. अगर आप मेरे पास आए हैं जो सबसे पहला question था trust, वो चीज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं as a director of Tascom e-retail marketing solutions private limited आज आपको बताता हूं, जब ये कंपनी हमने शुरू करी, जब ये प्रोग्राम हमने शुरू किया तो सबसे पहले हमने जो चीज सोची वो थी लीगल इश्यूज के बारे में. आज अगर मैं आपको बोल रहा हूं बी कॉन्फिडेंट, तो दैट मींस बी कॉन्फिडेंट. बहुत ही कम डायरेक्टर्स ऐसे होंगे जिनको द गवर्नमेंट गाइडलाइंस जो नई आने वाली है एमएलएम की पता भी होंगी कितनी है. मुझे, आप रात को 12 बजे भी उठाओगे तो मुझे वो याद है, इट इज ऑन माई फिंगर टिप्स कि हमारे पास गवर्नमेंट गाइडलाइंस क्या क्या है.
टास्क होम एक लीगल प्लेटफॉर्म और एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। इस चीज के लिए आप बेफिक्र होके काम कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। बिकॉज मी एज अ डायरेक्टर आई हैव टेकन प्रॉपर प्रिकॉशंस कि हम एक एक पॉइंट को एड्रेस करें। 65 पॉइंट्स की गाइडलाइंस के ऊपर हमने इतना फोकस किया हुआ है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको और ज्यादा बेटर और ज्यादा सिस्टमैटिक लेके चले। वी आर नॉट गोइंग टू बी एंड वी आर नॉट अ मनी रोटेशन कंपनी। टास्क होम एक लीगल और एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म की तरह उभरेगा। आज हमने इस सिस्टम को इतना बेटर ई कॉमर्स सिस्टमैटिक नेटवर्क बना दिया है कि ये सिस्टम के अंदर बहुत सारे लीडर्स डेवलप होते जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने अब काम करना शुरू कर दिया है। पॉइंट ये है, द फोकस शुड बी ऑल ऑन द सेल्स, यस और नो। जिस कंपनी के अंदर प्रोडक्ट नहीं बिकता उस कंपनी में लोग बिक जाते हैं, ये हकीकत है। हमने फ्रॉम द डे नंबर वन किसके ऊपर फोकस किया, प्रोडक्ट्स के ऊपर। मजे की बात देखिए, 2018 के चार महीने में हमने 11 सेमिनार अक्रॉस इंडिया ऑर्गेनाइज करे, सक्सेसफुली ओपन 10,000 फंक्शनल ई शॉप्स and every e-shop is getting minimum 4 to 5 sales and 40% growth every month, and this is apart from networking. aaj hum main aapko generation ki baat karte hain, aaj humne इसके अलावा 2018 के अंदर हमने tripsvision.com भी लॉन्च कर दिया ऑन द एंड, जिसमें आप रेल टिकट, ट्रेन टिकट, एयर टिकट, ये सारा कुछ कर लेते हैं। और इसके अलावा आज अगर हम एक चीज की और बात करें, हमारी सेल्स फिगर देखिएगा 2018-2019, ये आप लोगों ने करी है टास्क होम के अंदर। इन द मंथ ऑफ अगस्त सिर्फ 4 लाख रुपए की सेल करी हमने, सिर्फ 4 लाख की। सितंबर 8 लाख, अक्टूबर 10 लाख, नवंबर 15 लाख और दिसंबर 25 लाख रुपए के प्रोडक्ट सेल हुए हैं फ्रॉम द टास्क होम सिस्टम। क्या ये जनरेशन नहीं है? We are approximately growing near about 40-50% every month. और ये मैं annual sales की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं monthly sales की बात कर रहा हूं। और अभी तो बहुत सारे लोगों ने खरीदना शुरू भी नहीं किया because repurchase के लिए सब वेट कर रहे थे। So my team task on repurchase ready? Good. क्या अब इस सेल्स फिगर को और तोड़ा जा सकता है? दिस इज आवर जनरेशन, दिस इज आवर सोल, ये है टास्क होम की जान। इस चीज के ऊपर फोकस कीजिएगा। टास्क होम ने किया क्या, प्लीज सोचिए। हमने लोगों को दुकानें दी, अपनी दुकानें दी कि नहीं दी? कोई दिक्कत? नो। और उस दुकानों के अंदर हमने कुछ प्रोडक्ट्स दिए, यस और नो। और आपने अभी तक फोकस किया नेटवर्क पे, लेकिन आपको पता है पीछे आपको भी नहीं पता, थोड़ी करके सेल्स भी आने लग गए। हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा कोना आज नहीं है जहां पे टास्क होम का प्रोडक्ट नहीं गया हो। पलामू में आपका गया सर प्रोडक्ट? यस। झारखंड में किसी के पास प्रोडक्ट गया? वेस्ट बंगाल में किसी के पास प्रोडक्ट गया? ओडिशा में किसी के पास प्रोडक्ट गया? यस। द जनरेशन हैज बिगन, जनरेशन शुरू हो गई। मैं फिर से इन इश्यूज के ऊपर आ जाता हूं कि आज जो हमने सपना लेकर चले थे
वो सपना आज पूरा हो गया है। हमने सोचा था कि कुछ लोगों को दुकानें देंगे और वहां से सेल्स निकलेंगी, लेकिन अब बहुत सारी दुकानें आ गई और अब धीरे 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 करके सेल्स बढ़ती जा रही है। और ये इतनी सेल्स बढ़ रही हैं कि अगर हम 40% एवरी मंथ ग्रो करेंगे तो शायद हिंदुस्तान की ये नंबर 1 सिस्टमैटिक ई कॉमर्स नेटवर्क कंपनी में बदल जाएगी। जितनी भी नेटवर्क कंपनीज हैं, फोकस ऑन नेटवर्क रहता है। टास्कॉम में नेटवर्क के साथ जनरेशन ऑटोमैटिकली जुड़ी है। हमने आपको दुकानें दी, उन दुकानों के साथ हमने एक कनेक्शन बनाया कि सब लोग अपना इंडिविजुअल बिजनेस करें और उन सब ने एक इंडिविजुअल बिजनेस करके सेल्स टास्कॉम को दिलाई और धीरे धीरे करके ये एक बहुत बड़ी सेल्स के अंदर कन्वर्ट होती जा रही है। मैं फिर से दिखाता हूं, थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग अस, प्लीज टेक द स्लाइड बैक, मैं फिर से दिखा देता हूं। आप लोगों के लिए शुक्रिया कि आपने हमें ये दिया। अगर दिसंबर 25 लाख है तो जनवरी कितना हो सकता है? गुड, दिस इज हाउ वी डू इट। और उसके ऊपर भी अगर आपको इस तरीके से ऑफर्स मिलती जाएं कि अगर आपकी दुकान से आपने 3 ट्राउजर्स बेचे तो 1 फ्री, तो कितनी और सेल्स निकल सकती हैं? यस, दिस इज व्हाट सेल्स विल कम। आज हम नेटवर्क की बात कर रहे हैं, डीसी सर से स्पेशल परमिशन लेते हुए हमारी मैनेजमेंट टीम ने यह डिसाइड किया है कि सेल्स के ऊपर भी कोई ना कोई रिवॉर्ड्स होने चाहिए, क्योंकि यह हमारी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो लोग हमारी जनरेशन के ऊपर डाउट करते हैं उन लोगों के लिए मैं बताता हूं क्या यह करना मुश्किल था हमारे लिए। प्लीज देखिएगा, फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिए। आप मार्केट गए, आपने एक टी शर्ट खरीदी, कितने की? 2000 रुपए की। आप मार्केट गए दिलो साहब और आपने एक टी शर्ट खरीदी 2000 रुपए की, कितनी खरीदी? 1। लेकिन हमारा परिवार कितना बड़ा है, 10,000 लोगों का। हम उसी दुकानदार के पास जाते हैं, हम बोलते हैं भाई साहब हमें कितनी टी शर्टें चाहिए? 1000 टी शर्ट चाहिए। तो ये 1000 टी शर्ट हमें कितने की पड़ेगी? 400 रुपए, 100 रुपए। ढिल्लो साहब बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गए, ऐसा भी हो सकता है 400 रुपए की। और अगर हमारे पास 10,000 सिस्टम है, हम एक टी शर्ट के साथ एक टी शर्ट फ्री जोड़े तो हमारी 2000 रुपए की जो एमआरपी की टी शर्ट है वो हम 999 रुपए में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? आपने 2000 रुपए की एक टी शर्ट खरीदी, अब आपने बाय वन गेट वन फ्री के अंदर अगर आपने वो चीज लगा दी तो आपने, हमने 400 रुपए के हिसाब से 1000 टी शर्ट अगर खरीदी तो 400,000 रुपए की हमारी टी शर्ट की कॉस्ट बन गई। और हमने 999 में बेची तो 900,000 रुपए का हमने प्रोडक्ट सेल कर लिया। नेट प्रॉफिट 599,000 कहां से आया? आप सब लोगों से आया कि नहीं आया? सर आप मेरे को एक चीज बताइए, अगर 2000 रुपए की चीज आपको 1000 रुपए में मिले और वो भी एक के साथ एक फ्री, तो आप में से कितने लोग खरीदेंगे? सारे ही खरीदेंगे। और खरीदने वाले को कभी नुकसान होगा? बेचने वाले को नुकसान हुआ? और जो बीच में आप लोगों ने बेचा आपको भी उसका कमीशन मिला, तो आपको कोई नुकसान हुआ? तो दिस इज आर जनरेशन, जो आज तक कोई नहीं कर पाया वो हम
करना शुरू करके। और मजे की बात देखिए, इस महीने अलोन हमने तकरीबन 1100 से ऊपर पेयर ऑफ शूज बेच दिए, 700 से ऊपर जीन्स बेच दी, और ये सिलसिला अभी बढ़ता जा रहा है। जब हमने टूर्स एंड ट्रेवल्स खोल दिया, अगर आपको टिकट बाकी वेबसाइट्स के ऊपर 4000 की मिलेगी और वही सेम टिकट आपको 3800 रुपए की मिलेगी टास्कॉम प्लेटफॉर्म पे, तो आप खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? और अगर उस 3800 के अंदर 300-400 रुपए आपका भी कमीशन हो तो सोने पे। दिस इज व्हाट द टास्कॉम सिस्टम इज, जनरेशन फ्रॉम द डे नंबर वन। आज जैसे 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 परिवार बढ़ता जा रहा है, वैसे 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 सेल्स बढ़ती जा रही है। आज के बाद टास्कॉम से लीडर से टास्कॉम लीडर से कोई भी इंसान पूछेगा कि जनरेशन कहां से हो रही है, तो जनरेशन आप सब लोगों से हो रही है। आज जनरेशन करने के लिए कहीं हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम द सिस्टम द मनी इज गेटिंग जनरेटेड। और मेरा फिगर कैलकुलेटेड फिगर, क्योंकि मैंने क्या बोला, वी विल प्रॉमिस लेस एंड वी विल डिलीवर मोर। हमारा टारगेट ऑफ 2019, देखिए अभी बहुत ज्यादा शोर होने वाला है, पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे आपने बड़ी कम सेल्स फिगर रखी है और ये सब। मैं बताता हूं, हमारा कंजर्वेटिव, जिसे कहते हैं छोटा टारगेट लेके चल रहे हैं, 2019 में 50,000 से ज्यादा दुकानें हो सकती हैं कि नहीं हो सकती? 12 करोड़ से ऊपर की सेल्स 2019 में हो सकती हैं कि नहीं हो सकती? क्या 3 इंटरनेशनल ट्रिप्स हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्या हम नो डोमेस्टिक एलडीपी कर सकते हैं कि